12 की गत परीक्षाओं में पूछे गए अपठित काव्यांश। इसमें जो पहला काव्यांश है वो जो बीत गई सो बात गई, जीवन में एक सितारा था। यहाँ पर प्रश्न आ जाता है कि जीवन में एक सितारा था, जीवन में एक सितारा था, कवि ने सितारा शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है। सितारा शब्द का प्रयोग यहाँ पर प्रिय व्यक्ति के लिए किया गया है। कवि का जो प्रिय व्यक्ति है उसके लिए सितारा शब्द का प्रयोग किया गया है। माना वह बेहद प्यारा था, वह डूब गया तो डूब गया। इसमें इससे संबंधित दूसरा प्रश्न आता है। दूसरा प्रश्न है कवि ने क्या संदेश दिया है, इससे उसके किस दृष्टिकोण का परिचय मिलता है। यहाँ पर कवि ने ये कहा है कि विगत दुख भूल करके फिर से आनंदपूर्ण जीवन जिया जाए। जो पहले का हमारा दुख था उसे भूल करके हम फिर से आनंदपूर्ण जीवन जिए, इससे उसके आशावादी दृष्टिकोण का पता लगता है। वह डूब गया तो डूब गया, माना कि बेहद प्यारा था, वह डूब गया तो डूब गया, यानी वह कहता है कि आशापूर्ण जीवन जीने की जो इच्छा है, आशावादिता है, वह दर्शाता है इन पंक्तियों में। अंबर के आनंद को देखो, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे, जो छूट गए फिर कहाँ मिले, पर बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है। यहाँ देखिए तीसरा इससे संबंधित प्रश्न आ जाता है कि अंबर को क्या क्या सहना पड़ता है। अंबर को अपने तारों से बिछुड़ना पड़ता है। इन पंक्तियों को पढ़ करके हम ये बता सकते हैं कि कितने सारे इसके प्यारे तारे छूट गए, तो ये अंबर को भी सहन करना पड़ता है। चौथा प्रश्न है कवि ने अंबर का उदाहरण क्यों दिया है। कवि ने अंबर का उदाहरण क्यों दिया है, क्योंकि अंबर के जीवन में भी वही दुख होते हैं। जो तारों से बिछुड़ने का दुख है वो अंबर को भी होता है, और ये जो बिछो है, पिछुड़ना है, जीवन का स्वाभाविक अंग है। इसलिए अंबर किसी टूटे हुए तारे का कभी भी शोक नहीं मनाता। कब अंबर शोक मनाता है, यहाँ पर ये देखिए, ये प्रश्न करके, प्रश्न चिन्ह दे करके ये बताया कि अंबर भी कभी भी तारों के टूटने का शोक नहीं मनाता है। उसके बाद आता है कवि ने अंबर का उदाहरण क्यों दिया है। अंबर और कवि के जीवन में समानता है, दोनों कैसे हैं, बराबर मानता है कवि। जैसे कवि की पत्नी चल बसी थी, उसी प्रकार आकाश के भी अनेक चमकते तारे रोज टूटते रहते हैं। कुछ न कुछ तारे रोज टूटते रहते हैं, तो अंबर कभी भी उन पर शोक नहीं मनाता। इसलिए कवि कहता है कि दोनों में एक समानता है अंबर और कवि के जीवन में। एक और प्रश्न आ जाता है, आनंद का एक पर्यायवाची शब्द लिखिए। आनंद का पर्यायवाची शब्द होता है मुख। मुख यानी चेहरा या मुखड़ा, जो अपना फेस होता है उसे आनंद कहते हैं। तो ये है पहला काव्यांश। अगर आपके काव्यांश से संबंधित कोई भी प्रश्न है इस काव्यांश से संबंधित, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और कोई भी आपको काव्यांश अगर पढ़ने हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए।